असलम स्टूडेंट्स दिस इज़ इब्राहिम सिर्फ एफ से एडवांस ऑडिट है नछोना कोर्स एक डेढ़ सौ दो सौ घंटे का कोर्स होता है नॉर्मली रिसेंटली uh, हमने एक वर्कशॉप रखा और कोशिश करा कि छः सात दिन में इस पूरे कोर्स को हम समेटने की कोशिश करें uh, अब पेपर में चूँकि टाइम ही कम रह गया चार पाँच दिन रह गए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चा भी कब से रिक्वेस्ट कर रहा है इस चीज़ के ऊपर कि सर एक क्विक रिवीज़ आप वॉइस नोट्स भेज दें इस टॉपिक के फला टॉपिक के तो मैंने सोचा है क्यों ना मैं कंप्लीट ऑडिट की आपको एक शॉर्ट वीडियो बना दूं इस शॉर्ट वीडियो में आज का हमारा टारगेट वॉल्यूम वन है जिसके पेपर वेटेज सत्तर मार्क्स है और इन कोशिश करेंगे साठ मिनट से कम की ये वीडियो हो और सत्तर मार्क्स की वेटेज हो आइजा दो से लेकर आइजा आठ तक जितने भी स्टैंडर्ड्स हमारे वॉल्यूम वन में उन सबको आज हम इन शविक रिविजन करें स्टार्ट uh, करते हैं प्यारे बच्चों सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट आयजा होता है वो हमारे पास होता है आइजा 200 हंड्रेड 200 हमसे कहता है कि जी एज एन ऑडिटर आपकी जिम्मेदारी है कि आपने रीजनेबल एश्योरेंस लेनी है रीजनेबल एश्योरेंस एक हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस है लेकिन एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं है बिकॉज दे आर आर इन लिमिटेशन एस्टिमेट्स हैं फ्रॉड्स हैं सैम्पलिंग है Uh, बड़े समझने की जरूरत आयजा टू हंड्रेड आपसे रिक्वायरमेंट जो आपके ऊपर एप्लीकेबल हो रही है उससे आपने कंप्लाई करना है तभी आप अपनी ओपिनियन में आयजा सात सौ में ये कह सकते हैं कि वी हैव कंडक्टेड अवर ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद आयजा तो आयजा सात सौ में जो आप ये लाइन लिखते हैं ये दो 200 के से कंप्लाय करनी चाहिए जितने भी आयजाज हैं आपको जो आपके ऊपर एप्लीकेबल हो रहे हैं आपने उनसे कंप्लाई करना है अच्छा यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारे पास है एज ऐ टू एक सवाल है कि भाई मैं रीजनेबल एश्योरेंस कैसे ऑप्टेन करूँ या टू कंडक्ट एन ऑडिट अकॉर्डिंग एज ऐ क्या करूँ तो ऐसा कहते हैं चार रिक्वायरमेंट्स आप कंप्लाई कर लें प्रोफेशनल स्कैपिसिजम मेंटेन कर लें प्रोफेशनल जजमेंट मेंटेन कर लें सफिशंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑप्टेन करें और एथिकल रिक्वायरमेंट से कम्प्लाई कर जाएँ ये चार रिक्वायरमेंट्स आप कम्प्लाई कर जाएंगे तो उसका मतलब आप रीजनबल एश्योरेंस भी ले सकते हैं और आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि जी आपने आयजा के हिसाब से ऑडिट कर लिया है यहाँ जो मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ऐड करने जा रहा हूँ प्यारे बच्चों वो एड ये करने जा रहा हूँ एक्सेप्टेंस ये आई के आपका आजकल फेवरेट एरिया बना हुआ है देखें एक्सेप्टेंस के दो फेजेज होते हैं प्यारे बच्चों एक हमारे पास कहलाता है क्लाइंट एक्सेप्टेंस और एक हमारे पास कहलाता है इंगेजमेंट एक्सेप्टेंस सही है हमारे पास एक्सेप्टेंस के दो फेजेस होते हैं एक क्लाइंट एक्सेप्टेंस इन दो फेजेस में सबसे पहला जो फेज होगा वो क्लाइंट एक्सेप्टेंस होगा सही है आइजा अप्लाई ही तब होगा जब आप क्लाइंट एक्सेप्ट करेंगे उसके बाद जाके आइजा अप्लाई होगा उससे पहले आइजा अप्लाई नहीं हो सकता हाँ क्लाइंट एक्सेप्टेंस के लिए क्या करना है यहाँ पे पार्शली बताया गया है आइजा तीन में आज कहता है जब भी आप किसी क्लाइंट को एक्सेप्ट करने जाएंगे आपने तीन चार रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करना है सबसे पहली रिक्वायरमेंट आपने ये देखना है कि क्या आप एथिकल रिक्वायरमेंट से कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं कहीं मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पे कोई डाउट तो नहीं है और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज टू इस्टेब्लिश दी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट ये जो मैं क्लाइंट एक्सेप्टेंस करूंगा अगर ये क्लाइंट एक्सेप्टेंस का आंसर यस आ जाता है फिर मैं अगली चीज देखूंगा कि क्लाइंट मुझसे कौन से एंगेजमेंट करवाना चाह रहा है वो एंगेजमेंट एक्सेप्ट करूंगा मैं अगर वो मुझसे लेट से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करवाना चाह रहा है तो मैं यहां पर फिर यह करता हूं कि क्या प्री कंडीशंस मौजूद है क्या ऑडिट करने की प्री कंडीशन मौजूद है फॉर एक्जाम्पल ऑडिट करने की प्री कंडीशन हमारे पास क्या है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल होना चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज और सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रिमाइज अवेलेबल होनी चाहिए मैं ऑडिट तभी करूंगा जब कोई डॉक्यूमेंट होगा उस डॉक्यूमेंट को बनाने वाला कोई और होगा और ऑडिट करने वाला कोई और होगा थ्री पार्टी रिलेशनशिप तो मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट उसी वक्त कर सकूंगा जब कोई बंदा ये एक्नोलेज करे कि भाई मैंने इस एफ को बनाया है और मैंने इंटरनल कंट्रोल डिजाइन और इंप्लीमेंट करें ताकि ये स्टेटमेंट पाक रहे एरर और फ्रॉड से और मैं आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा ये जो इंगेजमेंट एक्सेप्टेंस के कॉन्टेंट है ये सारे के सारे कॉन्टेंट कॉपी होते हैं एंगेजमेंट लेटर में लेकिन एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस कब होती है एंगेजमेंट 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 लेटर 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 कब बनता है जब आप आप एजीएम में अपॉइंट हो जाते हैं उसके आप हैं उसके बाद बनाते आयजा दो सौ दस के हिसाब से और एजीएम से पहले जब मैनेजमेंट आपसे कहती है या कंपनी आपसे कहती है कि भाई अपना कॉन्सेंट कि क्या आप हमारे ऑडिटर बनेंगे या नहीं बनेंगे वो जो कॉन्सेंट दे रहे होते हैं आप उस वक्त जो आप चीजें असेस कर रहे होते हैं वो क्लाइंट एक्सेप्टेंस के ऊपर आ रही थी फॉर एग्जांपल आज बहुत सी फॉर्म से मैं एग्जाम्पल के तौर तो पर कोट कर रहा हूं बहुत सी फॉर्म है जो के का ऑडिट अगर उनके पास आता होगा या हो हमारा ऑडिट करेंगे मसला नहीं देखते में। इंगेजमेंट है मसला नहीं है, है मैनेजमेंट की जिम्मेदारी का मसला नहीं मसला किस चीज़ का है कि क्या मुझे क्लाइंट एक्सेप्ट करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए यहां वो फैक्टर है इसके अंदर एक वर्ड लिखा हुआ है कि आपने एथिकल रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करना है इंक्लूडिंग दी इंडिपेंडेंस यहां पे आके हमारा आई का कोड ऑफ एथिक्स ट्रिगर कर

हमारे पास क्या है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से नहीं बने होंगे 315 के दो ही है। वो आप कहता और को है।, ये जो आप करते है और ये असेसमेंट करते हैं कैसे करते हैं तो मुझे कुछ प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे जो कि कहलाते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स ये प्रोसीजर्स मेरे पास क्या अवेलेबल होते हैं इंक्वायरी एनालिटिकल ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन मैं रिस्क को अच्छा ये परफॉर्म करके होगा क्या मैंने किस डायरेक्शन में इन को कर परफॉर्म करना है आपने इस डायरेक्शन में इन प्रोसीजर्स को कर परफॉर्म करना है ताकि आप अंडरस्टैंडिंग कर सके एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट इंक्लूडिंग इट्स इंटरनल कंट्रोल यहां जो आप इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं ये आपका वॉक थ्रू कहलाता है सही है यहां पे जो आप इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं ये मोरलेस आपका वॉक थ्रू कहलाता है क्यों देखिए आजा तीन सौ पंद्रह ऑडिट रिस्क पढ़ रहे हैं ऑडिट रिस्क तो होता ही है ये इनहेरेंट रिस्क मल्टीप्लाई बाय कंट्रोल रिस्क तो कंट्रोल रिस्क कैसे डिटरमाइन करूंगा जब तक इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग नहीं लूंगा तो यहाँ पे आजाद तीन सौ पंद्रह आपसे कहता है कि आपने इंटरनल कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग लेनी और वो है? है, है और इंटरनल कंट्रोल के कॉम्पोनेट्स क्या है कंट्रोल इन्वायरमेंट होना चाहिए एनटीटी का रिस्क असेसमेंट प्रोसेस होना चाहिए इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या है मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल क्या है ये कंट्रोल एक्टिविटीज क्या है ये पांच हमारे पास कॉम्पोनेंट है इनकी आपने अंडरस्टैंडिंग ऑप्टेन करनी है जब मैं रिस्क आइडेंटिफाई करता हूं तो मेरे पास दो तीन किस्म के रिस्क हो सकते हैं, ठीक है फॉर एग्जांपल मेरे पास पीपी के ऊपर भी रिस्क आ सकता है मेरे पास इन्वेंट्री के ऊपर भी रिस्क आ सकता है ये जो मैं रिस्क आइडेंटिफाई करता हूं, मैंने अगला काम करना होता है इनकी असेसमेंट करनी होती है

ट्रांजेक्शन होंगी जब उसमें एस्टिमेट्स एंड जजमेंट इन्वॉल्व होट रिस्क शैल भी ट्रीटेड एज अ सिग्निफिकेंट रिस्क वॉट इज सिग्निफिकेंट रिस्क दैट रिक्वायर्ड स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन वॉट डू यू मीन बाई स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन जहां पर आप ज्यादा सैम्पल्स परफॉर्म कर रहे होंगे जहां पर आपकी इंगेजमेंट टीम की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होगी जहां पर पार्टनर्स डायरेक्टर की सुपरविजन इन्वॉल्वमेंट आपकी ज्यादा हो रही ये वो मैटर होंगे जो कि फ्रीकवेंटली दोस्त गवर्नेंस से शायद डिस्कस हो रहे होंगे मैनेजमेंट से डिस्कस हो रहे होंगे और ये वही चीज है जो कि आइजा दोस्तों से है बिकॉज आइजा दोस्तों आपसे क्या कहता है कि दियर आर इन लिमिटेशन क्या इनहेर लिमिटेशन एस्टिमेट्स जब एस्टिमेट्स की वजह से आप एश्योरेंस सेन नहीं कर सकते तो एस्टिमेट्स के ऊपर आपने स्पेशल ऑडिट कंसिडेशन लाजमी देनी है नहीं तो आप रीजनबल एश्योरेंस भी ऑप्टेन नहीं कर सकेंगे यहां 315 पे जब मैं अंडरस्टैंडिंग ऑप्टेन करके रिस्क आइडेंटिफाई करता हूं अगला काम जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्यारे बच्चों आइजा तीन सौ बीस मटीरियलिटी होता है

मटेरियलिटी डिटरमाइन करेंगे ये जो मटेरियलिटी आपके पास होगी ये दो फेजेस में आपको हेल्प करेगी एक प्लानिंग फेज में और एक रिपोर्टिंग फेज में क्या मतलब सर प्लानिंग फेज में प्लानिंग फेज में यार मैं काम क्या करता हूँ ये रहा प्लानिंग फेज 315 तो 315 पे मैं रिस्क को आइडेंटिफाई करता हूँ और रिस्क को असेस करता हूँ और ये जो देखें वर्ड क्या है रिस्क ऑफ मटेरियल मिस सही है ना जी तो जब तक मुझे मटेरियलिटी नहीं पता होगी तो मैं कैसे कह सकता हूं कि मटेरियल रिस्क कहकर मेरा नहीं है तो ये आपको रिस्क आइडेंटिफिकेशन और असेसमेंट में हेल्प करता है सेकंड जो बड़ी हेल्प करता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स जो होते हैं ये ऐसा नहीं है कि प्री पेमेंट में भी यही रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करना है और बैंक लोन्स में भी यही करना है और रेवेन्यू में भी यही करना है नहीं जहां रिस्क ज्यादा होगा जहां पे मटेरियलिटी ज्यादा होगी वहां पर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स भी ज्यादा होंगे क्या मतलब टू डिटरमाइन द नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स इसके बेसिस पे प्यारे बच्चों आप मटेरियलिटी प्लानिंग फेज में और रिपोर्टिंग फेज में क्या मतलब रिपोर्टिंग फेज का क्या मतलब अगर कोई मिस स्टेटमेंट आएगी तो आप इस मटेरियलिटी से कंपेयर करेंगे लेकिन सर हम ऑडिट फॉर्म में हम सारे ऑडिट फॉर्म में माशाला हम एक और मटेरियालिटी भी डिटर्माइन करते हैं जिसका नाम होता है परफॉर्मेंस मटेरियालिटी लेट से जो मैंने अभी मटेरियल निकाली वो सौ रुपए की निकाली ऐसा कहता है सौ रुपए की सौ रुपए को आप थोड़ा सा कम करें सत्तर पे लेके आ जाए साठ पे लेके आ जाए इसके सौ से सत्तर का जो फासला है ये फासला क्या है

ये सिर्फ और सिर्फ ऑडिटर को परफॉर्मेंस फेस के लिए ही असिस्ट करेगी तो ये जो सत्तर रुपए की आपने मेटेरियटी निकाली परफॉर्मेंस ये सिर्फ और सिर्फ सैंपल साइज डिटरमाइन करने के लिए टू डिटरमाइन दी नेचर टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स ये जो आपने परफॉर्मेंस मिस स्टेटमेंट को आप परफॉर्मेंस मटेरियलिटी से कंपेयर नहीं करेंगे आयसा कहता है एक और मटेरियल निकालें जिसका नाम है टोललेबल मिस स्टेटमेंट फॉर्म्स में हम उसको क्लियरली ट्रिवियल भी कहते हैं थ्रेशोल्ड भी कहते हैं बहुत से नाम से गुजारते हैं ये जो नाम है प्यारे बच्चों का मकसद क्या है कि अगर कोई मिस स्टेटमेंट है उसको अगर आप प्रोजेक्ट करते हैं और अगर वो टॉललेबल मिस स्टेटमेंट से एक्सीड नहीं करती सही है तो मेरी मटेरिटी सौ रुपए है मेरी परफॉर्मेंस मटेटी सत्तर रुपए मेरे पास एक और मटेरियलिटी है जो कि टॉललेबल मिस स्टेटमेंट है वो पाँच रुपए

ऐसा कहता है दो तीन मटेरियलिटीज आप शायद और भी निकाल सकते हैं डिफरेंट क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन पे आपने डिफरेंट मटेरियल निकालनी होगी एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पेपर के लिहाज से भी कॉन्सेप्ट है रिविजन ऑफ मटेरियलिटी देयर इज अ पॉसिबिलिटी चूँकि प्लानिंग फेज है प्यारे बच्चों तो मैंने तो ईयर एंड से पहले एक मटेरियलिटी डिटर्माइन करी होगी प्लानिंग तो मैं ईयर एंड से पहले करता हूँ तो जो मैंने मटेरियलिटी डिटरमाइन करी और ईयर एंड पे जब एक्चुअल रिजल्ट्स आए तो एक्चुअल रिजल्ट्स तो वो मेरे प्रोजेक्टेड रिजल्ट्स से बड़े डिफरेंट थे जिसके बेसिस से मैंने मेटरियलिटी डिटरमाइन की थी तो आइजा यहाँ आपसे कहता है कि यार आप मटेरियलिटी को रिवाइज करें रिवाइज करने के, के केस में आप समझने की कोशिश करेगा अगर रिवाइज मटेरियालिटी मेरी इनिशियल मटेरियालिटी से ज्यादा है तो आइजा इतना फोर्स नहीं करता आपको चेंज करने के लिए आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं आइजा आपको फोर्स नहीं करता लेकिन अगर रिवाइज मटेरियालिटी मेरी कम है यहाँ आयजा आपके ऊपर मैंडेटरी कह देता है कि जी मटी सिर्फ मटेरियलिटी रिवाइज नहीं होगी आप ये देख लें कि कहीं आपकी ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी तो चेंज नहीं हो जाएगी कहीं आपकी ऑडिट प्लानिंग तो चेंज नहीं हो जाएगी कहीं परफॉर्मेंस तो चेंज नहीं हो जाएगी क्या मतलब इसका सर मैंने इनिशियल मटेरियलिटी सौ रुपए की निकाली मेरी परफॉर्मेंस मटेरियल सत्तर रुपए की थी सही है तो मेरे पास एक बैलेंस आ रहा था अस्सी रुपए का मैंने कहा जी दफा करें इसके ऊपर काम नहीं करना ये तो इम है सही है अब अगर रिवाइज मटीरियलिटी मेरी अस्सी रुपए हो गई या सत्तर रुपये हो गई तो मैं तो अब तो ये मेरे मटीरियल हो गया तो मुझे प्लानिंग फिर को रिवाइज करना पड़ेगा प्लस अगर रिवाइज ियल सत्तर पे आ गए तो परफॉर्मेंस मटेरियल तो और नीचे आ जाएगी चालीस पे आ जाएगी सैंपल साइज पर आयजा आपसे कहता है रिपोर्टिंग okay? का मसला इसलिए नहीं बिकॉज रिपोर्ट आपने भी दी नहीं है जब आप रिवाइज कर रहे हैं मेटरियल रिपोर्ट तो इश्यू नहीं हुई है डन हो गया प्यारे बच्चों यहाँ तक अच्छा इसके बाद आयजा आपसे कहता है ठीक है इसके बाद आयजा आपसे कहता है कि यार आयजा तीन के हिसाब से ये जो रिस्क आइडेंटिफाई कर रहे हैं इस रिस्क के अगेंस्ट आप एक रिस्पॉन्स बनाए और रिस्पॉन्स ऐसा होना चाहिए कि आप सफिशेंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑप्टेन कर लें ये रिस्पॉन्स के लिए मेरे पास तीन तरीके हैं प्यारे बच्चों या तो मैं सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स कर लूँ या टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स कर लूँ

अगर तो ऊपर जो अंडरस्टैंडिंग मैंने ली तो वॉक थ्रू डीएनआईव है तभी टेस्ट ऑफ कंट्रोल करूंगा अगर की अंडरस्टैंडिंग आप ले आप रहे हो आप कह रहे है ही नहीं तो आगे जाकर भाई तो टेस्ट कंट्रोल नहीं करने फिर आपको सही है जब टेस्ट कंट्रोल नहीं करने तो फिर आपको बढ़ाने पड़ेंगे अच्छा सेकंड चीज

तो 330 के हिसाब से रिस्पॉन्स है 330 आपसे ये भी कहता है कि जी अगर कोई आपने रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई किया है 315 के हिसाब से आपने किसी चीज को पर रिस्क आइडेंटिफाई करा है तो आपने सब्सटेंटिव प्रोसीजर आपके लिए करना मैंडेटरी है सिर्फ कंट्रोल्स करके आप ये नहीं कर सकते सफिशियंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑप्टेन हो गए सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स करना लाजमी है अगर प्री पेमेंट आ रहा है मैं कह रहा हूँ प्री पेमेंट पे रिस्क है तो मैं प्री पेमेंट पे सिर्फ टेस्ट ऑफ़ कंट्रोल करके ये नहीं कह सकता कि जी प्री पेमेंट बिल्कुल सही है नहीं प्री पेमेंट पे सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स करना लाजमी है यहाँ हमारे पास प्लानिंग खत्म होती है प्यारे बच्चों लेकिन इसी प्लानिंग के साथ हमारे पास कुछ और आयजाज आ जाते हैं जिसका नाम है आयज़ा टू फ्रॉड ये फ्रॉड का स्टैंडर्ड आपसे क्या कहता है ये फ्रॉड का स्टैंडर्ड टेक्निकलिटी में इन्हीं तीनों का समरइजाना है सही है आइजा 240 आपसे कहता है फ्रॉड का स्टैंडर्ड कि भाई देखें आपकी जिम्मेदारी है विद रिस्पेक्ट टू फ्रॉड मैंने कहा दो में तो तुम तो मुझे कहते थे इनहेरेंट लिमिटेशन है वो कहता है बिल्कुल इनहेरेंट लिमिटेशन है। और फ्रॉड की भी इनहेरेंट लिमिटेशन है लेकिन इनहेरेंट लिमिटेशन का ये मतलब थोड़ी कि काम ही नहीं करोगे

कि अगर खुदा ना खास्ता खुदाना खास्ता फ्रॉड डिटेक्ट नहीं कर सके तो कोई तुम्हारे ऊपर तलवार नहीं रखेगा बिकॉज फ्रॉड की भी इनहेरेंट लिमिटेशन है फ्रॉड को डिटेक्ट करने की भी इनहेरेंट लिमिटेशन है मैं कहता हूँ अच्छा मुझे बताओ भाई मेरी जिम्मेदारी क्या आयज़ा कहता है आपकी बेसिकली पाँच जिम्मेदारियाँ पहली जिम्मेदारी इंगेजमेंट टीम से डिस्कशन करें क्यों डिस्कशन करें बिकॉज अब सामने वाली पार्टी मिलजुल के फ्रॉड कर रही है डिस्कस करके फ्रॉड कर रही है प्रॉपरली प्लान करके कर रही है तो आप भी थोड़ा मिले जुले और आप देखें देखेंट टीम से डिस्कस करें कि ऐसे कौन से एरियाज हैं पे फ्रॉड के चांसेस हैं आप एज अ दोस्तों के हिसाब से टू कंडक्ट एन ऑडिट इन अकॉन्ट आइजा आप एज अ दो के हिसाब से प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करें प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म स्केप्टिसिज्म अगर आप प्रोफेशनल स्कैप्टिज्मिज्म है कि इट विल हेल्प द ऑडिटर टू आइडेंटिफाई द रिस्क ऑफ फ्रॉड तो भाई करें ना फिर आप प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन तीसरी जो ती अगली तीन जिम्मेदारी है उसके ऊपर पूरा आइज ए टू फोर्टी है और वो अगली तीन जिम्मेदारी क्या है वो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी है है आपकी कि आपने फ्रॉड के ऊपर रिस्क को आइडेंटिफाई करना और असेस करना है, है। दूसरी जिम्मेदारी उस रिस्क के अगेंस्ट आपने ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करना है और जब प्रोसीजर्स परफॉर्म करूंगा और कोई मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई हो गई दैट इंडिकेट्स दी पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड तो मुझे ऑब्जेक्टिव थ्री जो है आइज ए टू का वो अप्लाई करना पड़ेगा अब मैंने कहा चले ठीक है जी मुझे जिम्मेदारी मतलब फ्रॉड के ऊपर रिस्क कैसे करूं उसने कहा तीन सौ पंद्रह अप्लाई करें क्या मतलब 315 तीन सौ पंद्रह रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करें क्या मतलब रिस्क आप इंक्वायरी करें आप एनालिटिकल करें आप ऑब्जर्वेशन करें किससे इंक्वायरी करूं आप फ्रॉड के ऊपर मैनेजमेंट से इंक्वायरी करें फ्रॉड के ऊपर दो स्ट से इंक्वायरी करें फ्रॉड के ऊपर इंटरनल ऑडिट से इंक्वायरी करें एनालिटिकल प्रोसीजर अप्लाई करें कहीं कोई नंबर्स में डेविएशन ऐसी आ रही जो कि फ्रॉड की इंडिकेशन है चूंकि फ्रॉड की प्राइमेरिली रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की है दो में आपको लिख के दे चुकी है वो एंगेजमेंट लेटर में कि जी वो प्राइमेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो आप उनसे इंक्वायरी करें अच्छा इंक्वायरी करके और उसके बाद वो कहता है फ्रॉड रिस्क फैक्टर एरर और फ्रॉड के बीच में जो बुनियादी फर्क है वो इंटेंशन का है इंटेंशन क्या होगी हमारे पास फॉर uh, एग्जांपल अगर कोई इंसेंटिव या प्रेशर होगा कोई अपॉर्चुनिटी होगी या कोई एटीट्यूड या रेशनलाइजेशन होगा ये फ्रॉड रिस्क फैक्टर है आइजा कहता है इनको कंसिडर करें

फ्रॉड के रिस्क से वो एग्जाम्शन दे रहा है इसका ये मतलब नहीं है कि 315 के हिसाब से आप कोई रिस्क आइडेंटिफाई नहीं करें और कोई प्रोसीजर ही परफॉर्म ना करें अच्छा तो सर दो रिस्क आ गए इस रिस्क अगेंस्ट प्रोसीजर्स बता दें सर सर अगर तो देखें आपका रिस्क एफएस लेवल पे है ना तो सर आप क्या कहते हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को एवेल्यूट कर लें आप इंगेजमेंट टीम ऐसी भेजें जिसके पास सफिशेंट लेवल ऑफ नॉलेज एंड एक्सपर्टीज हो और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम सर आप ये कर लें कि आप फॉर एग्जांपल एलिमेंट ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी को इनकॉर्पोरेट कर लें ठीक है ये तीन काम कर लें एफ लेवल के लिए एमओसी का मसला अगर है अगर एमओसी का मसला है तो एमओसी कंपनी करती कैसे फिक्टिशियस जनरल एंट्रीज रिकॉर्ड करती है आप जनरल एंट्रीज को टेस्ट कर कंपनी आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में एंगेज होगी आप उसके बिजनेस रेशनल को इवेल्युएट कर ले कंपनी एस्टिमेट्स में खेलेगी आप चेक कर लेट्स रीजनेबल है रेवेन्यू से रिलेटेड जो रेवेन्यू के प्रोसेस आप पढ़ते हैं वो कर ले, लेकिन थोड़ा सा उसके अंदर एलिमेंट ऑफ अनप्रडिक्टेबिलिटी इनकॉर्पोरेट कर दे सब्सटैंडिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म कर लें अगर आपको लगता है कंपनी ईयर एंड के आसपास रेवेन्यू को हिलाएगी तो आप ईयर एंड के आसपास अपना बुरिया बिस्तर बांध के ईयर हाउस में सो जाएं महीने यर एंड के दो से तीन दिन पहले आप वेयर हाउस में बैठे रहे और चेक करें कि वाकई में ये शिप हो भी रहे कि नहीं हो रहा है वाकई में रेवेन्यू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, है। आखिरी के तीन दिन सन्नाटा लगा हुआ है वेयर हाउस में कोई मूवमेंट हो नहीं रही और बाद में जब मैनेजमेंट सेल्स अडिस्ट देखी तो मैनेजमेंट कहेंगे मैंने पंद्रह अरब रुपए की सेल कर दी आप कहेंगे मैं खुद देख के आया हूं तुम्हारे वेयर हाउस में कि वेयर हाउस में तो कोई सेल ही नहीं हो रही थी कोई मूवमेंट ही नहीं हो रही थी तो ये कुछ आपको फ्रॉड से रिलेटेड चीजों को आपने करना होगा अगर ये प्रोसीजर्स मैं परफॉर्म करता हूँ और कोई मिस स्टेटमेंट प्यारे बच्चों आइडेंटिफाई हो जाती है तो ये मिस स्टेटमेंट या तो मेरे पास एरर होगा या ये मिस स्टेटमेंट मेरे पास इंडिकेशन uh, होगी किस चीज की पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड की अगर तो ये इंडिकेशन है पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड की प्यारे बच्चों तो इसका मतलब ये है कि अच्छा इंडिकेशन ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड कब होगी जब, जब तो मतलब मतलब प्लानिंग फेज में तो तुम कह रहे थे कि मुझे तो कोई रिस्क आइडेंटिफाई नहीं हुआ या मैनेजमेंट तो यह कह रही थी अपने रिस्क असेसमेंट को रिवाइज करो सही है अगर सीनियर मैनेजमेंट इन्वॉल्व है सीनियर मैनेजमेंट इवॉल्ड और भले ही इमरियल है आयजा कहता है यार मुझे मटेर मत बताओ अगर इम मटेरियल भी और सीनियर मैनेजमेंट इन्वॉल्व है तो इसका मतलब है कि भाई अब तो आपने सारे रिस्क असेसमेंट को रिवाइज करने पड़ेंगे मजीद ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे जितने भी ऑडिट एविडेंस मिल चुके हैं जितनी भी रिटर्न रिपोर्ट मिल चुकी हैं उन सबको रिवैल्यूट करना पड़ेगा यू मे कंसिडर टू विदड्रॉ और विद्रॉ करते हुए आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा तो आप लीगल एडवाइस ले लीजिएगा यहाँ पे हमारे पास था प्यारे बच्चों आयजा टू फोर्टी आइजा टू के बाद हम आगे मूव कर रहे थे आयजा पाँच में ये हमारा प्लानिंग फेज था अब जो हमारे पास स्टैंडर्ड्स आने जा रहे हैं उसमें कुछ मैं प्लस माइनस करूंगा अब जो हमारे पास स्टैंडर्ड्स आने जा रहे हैं वो परफॉर्मेंस फेज के स्टैंडर्ड्स है परफॉर्मेंस फेज में हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है वो आयजा पाँच है जो जो आपसे कहता है कि जी आपकी जिम्मेदारी है कि आपने सफिशंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑप्टेन करना है ठीक है जी आयजा पाँच के बाद हमारे पास जो अगला आयजा है वो है आयिजा 501 जो कि तीन स्पेसिफिक एरियाज के ऊपर आपको ऑडिट प्रोसीजर्स बताता है पहला लिटिगेशन एंड क्लेम्स के लिटिगेशन एंड क्लेम्स के ऊपर आपने क्या प्रोसेस परफॉर्म करने लिटिगेशन क्लेम्स के ऊपर मैं इंक्वायरी कर सकता हूं इन हाउस लीगल काउंसिल के साथ मैं मिनट्स ऑफ द मीटिंग देख सकता हूं मैं फाइल देख सकता हूँ मैं लॉयर को कन्फर्मेशन भेज सकता हूँ और क्या कहते हैं मैं मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स वगैरह देख सकता हूं मैं लीगल वाउचर जो लीगल एक्सपेंस है उसकी वॉचिंग कर सकता हूँ दूसरा जो आपको ये एरिया बताता है वो ऑपरेटिंग सेगमेंट्स का बताता है और तीसरा जो आपको एरिया बताता है वो इन्वेंट्री से रिलेटेड बताता है कि इन्वेंट्री काउंट कैसे करनी है ईयर एंड के बाद काउंट करेंगे तब क्या होगा ईयर एंड से पहले काउंट करेंगे तब क्या होगा इन्वेंट्री अगर थर्ड पार्टी के पास पड़ी है तो क्या होगा तो एक बड़े स्पेसिफिक आपको ऑडिट प्रोसेज बताता है इन तीन एरिया के ऊपर अगला जो हमारे पास आइजा है आइजा 505 है जो कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन है एक्सटर्नल कंफर्मेशन अगेन एक ऑडिट एविडेंस है बड़ा रिलायबल ऑडिट एविडेंस है बिकॉज थर्ड पार्टी डायरेक्टली रिटर्न फॉर्म फॉर्म में और में आपको रिप्लाई करती है एक्सटर्नल कंफर्मेशन केस में प्यारे बच्चों हमेशा याद रखेगा आपको एक्सटर्नल कंफर्मेशन डिजाइन करनी पड़ती है सही है ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है डिजाइन का मतलब कंफर्मेशन में सामने वाली पार्टी का एड्रेस सही आना चाहिए आपका रिटर्न एड्रेस आना चाहिए अगर आपको रिटर्न एड्रेस नहीं आएगा तो आपको कंफर्मेशन डायरेक्टली रिसीव नहीं होगी ठीक है सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिज़ाइन में कि आप जिस बंदे को मुखातिब कर रहे हैं टू वो नॉलेजेबल पर्सन होना चाहिए बिकॉज अगर नॉलेजेबल पर्सन से रिप्लाई नहीं आएगा तो वो कन्फर्मेशन आपके लिए यूजलेस है जब आप कन्फर्मेशन डिजाइन करेंगे तो आप कन्फर्मेशन लेके जाएंगे मैनेजमेंट के पास मैनेजमेंट पर साइन करें मुझे कन्फर्मेशन सेंड करनी है या तो मैनेजमेंट आपको कन्फर्म सेंड करने देगी या मैनेजमेंट आपको कन्फर्मेशन सेंड करने नहीं देगी अगर तो मैनेजमेंट आपको कन्फर्मेशन सेंड करने नहीं देती आप मैनेजमेंट से इंक्वायर करेंगे भाई क्या रीज़न है 210 में तो कहा था सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे तो क्यों मुझे कन्फर्मेशन भेजने नहीं दे रहे आप उससे बड़े ही आराम से इखलाक से इंक्वायर करेंगे भाई रीज़न बता दें मुझे अगर मैनेजमेंट आपको रीज़न बताती है तो उस रीज़न को आपने मान नहीं लेना है बिकॉज आइजा पाँच सौ के हिसाब से इंक्वायरी अलोन कैन नॉट प्रोवाइड सफिशेंट अप्रोप्रियट ऑडिट एविडेंस आपने उस रीज़न के ऊपर उसको वेरीफाई करना है उसके अगेंस्ट ऑडिट एविडेंस सीख करना है कि क्या वो वैलिड है भी कि नहीं क्या वो रीजनेबल है भी कि नहीं अब ये दो चीज़ें हैं कि चाहे रीजनेबल हो या ना हो ये दूसरी चीज चीज़ें ऐसा कहता है फिर आप कोशिश करें ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर से सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑप्टेन करने की अगर तो मिल जाता है हैप्पी एंडिंग मुबारक हो अगर तो नहीं मिलता इट विल बी कंसिडर्ड एज अ स्कोप लिमिटेशन डन हो गया सात सौ पांच लेकिन वो जो रीजन reason, अगर रीजनेबल नहीं है अगर वो रीजन reason रीजनेबल नहीं है या वो रीजन reason रीजनेबल है भी तो एक काम तो करना ही है अपने रिस्क असेसमेंट को रिवाइज करने है और मजीद ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने लेकिन अगर वो रीज़न आपको जस्टिफाइबल नहीं लग रही तो इसका मतलब है एज 240 रिस्क ऑफ फ्रॉड को भी एवेल्युएट करें मैनेजमेंट जान बूझ के शायद आपको कन्फर्मेशन भेजने नहीं दे रही बिकॉज को डर ये लग रहा है कि पकड़ी जाएगी वो कस्टमर एग्जिस्ट करता ही नहीं है वो फेक्टिशियस जर्नल एंट्री है तो एज अ टू फोर्टी में सर्कमस्टांस इंडिकेट्स द पॉसिबिलिटी फ्रॉड में ये लिखा हुआ है कि जी मैनेजमेंट अगर आपके ऊपर कोई लिमिटेशन इंपोज करती है कोई रिस्ट्रिक्शन डालती है तो इट मे इंडिकेट्स दी पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड तो एज अ पांच सौ पांच से दो सौ चालीस पिलिंग हो तो सकता है अगर मैनेजमेंट आपको कन्फर्मेशन भेजने दे दे

अगर तो कंफर्मेशन आपको मिल जाती है आप चेक करेंगे रिलायबल है कि नहीं है थर्ड पार्टी से आई है डायरेक्टली मुझे आई है रिटर्न फॉर्म में आई है आप इसकी रिलायबिलिटी चेक करेंगे अगर तो रिलायबल नहीं है तो आप मैनेजमेंट से कहेंगे भाई रिलायबल नहीं है उसको बोलो डायरेक्टली मुझे भेजें अगर तो कंफर्मेशन लेट से रिलायबल है फिर आप जाके मैच करेंगे कि क्या बैलेंस मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा बैलेंस मैच कर रहा है हैप्पी एंडिंग बैलेंस मैच नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये तो एक्सेप्शन है ये तो डिफरेंस है आप मैनेजमेंट से कहेंगे रिकनसिलेशन दें इसके मुझे रिकन्सिलेशन बना के दें और आप उस रिकनसाइलिंग आइटम्स के ऊपर ऑडिट प्रोसीज़र्स परफॉर्म कर लेंगे अच्छा आयजा 505 सौ पाँच हमारे पास कंफर्मेशन ओपन भी होती है ब्लैंक भी होती है ठीक है जी आयजा 505 के बाद अगर सबसे इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है वो हमारे पास है आयजा 510 ओपनिंग बैलेंसेस Iza 510 ओपनिंग बैलेंस आपसे क्या कहता है अप्लाई आइजा पांच सौ दस इनिशियल में क्या मतलब इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट का इनिशियल अगर तो पिछले साल का ऑडिट ही नहीं हुआ हुआ या पिछले साल का ऑडिट किसी और ऑडिट फर्म ने किया हुआ है तो इसका मतलब यह है कि अगर आप बाइस के ऑडिटर बने हैं इक्कीस ऑडिट किसी और ने किया या इक्कीस ऑडिटेड नहीं है तो बाइस के ऊपर तो आप ओपिनियन उस वक्त तक नहीं दे सकेंगे जब तक आपने ओपनिंग बैलेंस के ऊपर काम नहीं किया होगा चूंकि पांच सौ की सीरीज है तो ये ओपनिंग बैलेंस के ऊपर सफिशियंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस का कह रही है तो ओपनिंग बैलेंस के ऊपर सफिशेंट अप्रोप्रेट ऑडिट एविडेंस अगर तो मेरे पास दो हजार बाईस में फिक्स एसेट दो सौ रुपए का आ रहा है तो डेढ़ सौ रुपए तो ओपनिंग से आ रहा होगा तो दो सौ रुपये ओपिनियन कैसे दूंगा जब तक मैंने डेढ़ सौ रेप का नहीं किया तो आयजा कहता है पांच सौ दस के हिसाब से आपने ओपनिंग बैलेंस के ऊपर काम करना है सफिशेंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना है तो क्या मेरे पास की प्रोसीजर्स हैं जिससे मैं ओपनिंग बैलेंस के ऊपर सफिशेंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ले सकता हूं ऐसा कहता है सबसे आसान तरीका पिछले साल के ऑडिटर्स के अगर तो ऑडिट हुआ है तो पिछले साल के ऑडिटर के वर्किंग पेपर को रिव्यू कर लो एंड हो गया सही है दूसरा इस साल के प्रोसीजर से तो मैं इस साल के जो तुम प्रोसीजर डिजाइन कर रहे हो 330 के हिसाब से 2022 के ऊपर उससे ऐसा हो सकता है कि 2021 के ऊपर तुम्हें कोई सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एवरेंस मिल जाए फॉर एग्जांपल मैंने 315 के हिसाब से रिस्क आइडेंटिफाई किया कि इन्वेंट्री इंपेयर्ड है ठीक है और मैं इस या मैंने 315 के हिसाब से रिस्क आइडेंटिफाई किया कि भाई इस साल के रेवेन्यू अकर्ड ही नहीं हुए और मैं इस साल की सेल्स वेरीफाई कर रहा हूं और सेलिंग प्राइस वेरीफाई कर रहा हूं ये प्रोसीजर्स मैंने रेवेन्यू पे किया था लेकिन इससे 2021 में जो इन्वेंट्री है उसकी मुझे सबसे सेलिंग प्राइस पता चल गई और ये एश्योरेंस मिल गई कि इन्वेंट्री कितने की बिकी है इस साल तो क्या ओपनिंग पे जो ओपनिंग्री की इंपेयरमेंट आ रही है वो सही आ रही है कि नहीं आ रही तो इस साल के प्रोसीजर्स आपको ओपनिंग बैलेंस के ऊपर और अगर ये भी नहीं है तो फिर आपको स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे वो स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर्स वही है जो कि हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे ठीक हो गया जी अच्छा आयजा पाँच सौ दस के बाद और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपने ये देखनी कि अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंट है ओपनिंग बैलेंस के ऊपर कोई मसला आ जाए ओपनिंग बैलेंस के ऊपर काम ना हो ओपनिंग बैलेंस के ऊपर कोई स्कोप लिमिटेशन है उसकी लिंकिंग आयजा सात सौ दस से होगी अच्छा आयिजा पाँच सौ दस के बाद सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास था आयजा पाँच सौ बीस एनालिटिकल प्रोसीजर्स ठीक ये वो एनालिटिकल प्रोसीजर है एक एनालिटिकल प्रोसीजर आइजा 315 में यूज हो रहा था लेकिन ये risk identify करने के लिए हो रहा था ये फ्रॉड में भी यूज हो रहा था ताकि रिस्क आइडेंटिफाई करने के लिए। अगर 330 के हिसाब से मैं देखूं, तो उसको analytical नहीं, इसको कहता है वो एनालिटिकल प्रोसीजर एज एनालिटिकल प्रोसीजर जब आप इसको analytical procedure को एज एनालिटिकल प्रोसीजर यूज करते हैं तो इससे आपको ऑडिट एविडेंस ऑप्टेन हो सकता है आयजा पाँच 520 आपके पास अप्लाई हो जाता है और आपसे कहता है कि जी जब आप सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं तो आपने कुछ रिक्वायरमेंट से कम्प्लाई करना पड़ेगा वो रिक्वायरमेंट क्या होगी आपने ये देखना होगा कि क्या सब्सटैटिव एनालिटिकल प्रोसीजर रेलिवेंट है भी कि नहीं रिलायबल है भी कि नहीं क्या डेटा आपके पास डिसएग्रीगेटेड फॉर्म में है क्या डेटा की सोर्स थर्ड पार्टी सोर्स है अगर थर्ड पार्टी सोर्स है तो ज़्यादा रिलायबल है क्या वो डेटा आपके सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर से कंपेरेबल है मैं इसके ऊपर दो से तीन चीज़ें ऐड कर दूँ फॉर्म में आपने डेप्रिसिएशन के ऊपर सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म किया होगा कैसे किया होगा आपने कहा होगा ये ओपनिंग एसेट्स हैं ये एडिशन हुई हैं ये डिस्पोजल हैं ये क्लोजिंग एसेट्स हैं ये एवरेज एसेट्स हैं इन एवरेज एसेट्स को आपने डेप्रिसिएशन रेट से मल्टीप्लाई किया होगा आपके हिसाब से एक डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपके हिसाब से आया होगा एज पर ऑडिटर और एक मैनेजमेंट ने रिकॉर्ड किया होगा और आप देखेंगे दोनों में इतना डिफरेंस लेट से नहीं आ रहा है डिफरेंस थ्रेशोल्ड से कम आ रहा है तो आप कहेंगे मैंने सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसेज से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को वेरीफाई कर लिया या आप पेरोल वेरीफाई करते हैं तो पेरोल का पिछले महीने का डेटा लेते हैं उसको 12 महीने से मल्टीप्लाई करते हैं फिर उसके अंदर एडिशन ऐड करते हैं डिस्पोजल माइनस करते हैं ये जो आप काम करते हैं ये 520 के हिसाब से करते हैं और ये यही कहता है कि डेटा डिसएग्रीगेटेड फॉर्म में होना चाहिए डेटा रिलायबल होना चाहिए जब तक उसके ऊपर आप काम नहीं करेंगे आप आयजा पाँच सौ के हिसाब से एनालिटिकल प्रोसीजर्स को एज अ सब्सटैंडिव एनालिटिकल प्रोसेज यूज़ करके ऑडिट एविडेंस ऑप्टेन नहीं कर सकते आ, अगली हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आइजा पाँच सौ सैम्पलिंग में हमारे पास स्टैंडर्ड कहता है आपको कि यार आपने डिज़ाइन करनी है सैंपलिंग को सैंपलिंग को डिज़ाइन कैसे करनी है सैंपलिंग को आपने ऐसे डिज़ाइन करनी है कि आपने सबसे पहले ये असेस करना है कि आपके पास कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन क्या है आपके सैम्पल साइज कितने हैं आपके पास सैम्पल सेलेक्शन मैथड क्या है स्टैटिस्टिकल है कि नॉन स्टैटिस्टिकल है क्या आप स्ट्रेटिफिकेशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं मिस स्टेटमेंट को डिफ़ाइन करें ताकि कल को मिस स्टेटमेंट को आप प्रोजेक्ट कर सकें सही है ये हमें आयजा 530 सौ तीस सैम्पलिंग बताता है सैम्पल सेलेक्शन मैथड हमारे पास क्या है हमारे पास मॉनिटरी यूनिट सैम्पल है हमारे पास रैंडम नंबर जनरेटर है हमारे पास ब्लॉक सेलेक्शन है हमारे पास हैप हेजट सैम्पलिंग है हमारे पास सिस्टमेटिक सैम्पलिंग है ये पाँच मैथड है इनमें से कुछ स्टैटिस्टिकल है कुछ नॉन स्टैटिस्टिकल है ठीक है ये जो सैम्पलिंग है अगर आप सैम्पलिंग करते हैं किसी पॉपुलेशन के ऊपर और अगर वो स्टैटिस्टिकल है तो उसके रिजल्ट्स को आप प्रोजेक्ट करते हैं पूरी पॉपुलेशन में जब आप पूरी पॉपुलेशन में प्रोजेक्ट करते हैं और अगर वो टोलरेबल मिस स्टेटमेंट से कम है टोलरेबल मिस स्टेटमेंट से कम है आप उसको इग्नोर कर देंगे आप कहेंगे पीपी बिल्कुल ठीक है सही है अगर वो आपके टोलरेबल मिस स्टेटमेंट से एक्सीड कर जाता है यहाँ पे आयजा 530 ट्रिगर कर जाएगा और आयजा 530 क्या है? चूंकि एक्सीड कर चुका है तो क्वालिफाइड अनमोडिफाइड ये नहीं बिकॉज आपने तो प्रोजेक्शन करी है तो प्रोजेक्शन में तो सैम्पलिंग रिस्क है क्या पता रिमेनिंग पॉपुलेशन बिल्कुल सही हो क्या पता रिमेनिंग पॉपुलेशन पूरी की पूरी खराब हो मैं कहना क्या चाह रहा हूं मैं आपसे ये कह रहा हूं सौ रुपए में, में से अगर आपने बीस रुपए वेरीफाई करे ठीक है और बीस रुपए में से पांच रुपए गलत है तो जब बीस रुपए में से पांच रुपये गलत है आपने रुपए को वेरीफाई किया सैंपलिंग से से में से अगर पांच गलत है तो सौ में से पच्चीस गलत होगा ये पच्चीस अगर गलत होगा बीस रुपए की है तो आप क्वालिफाई नहीं करेंगे ऐसा कहता है नहीं बिकॉज क्या पता रिमेनिंग अस्सी की गलत हो या रिमेनिंग अस्सी बिल्कुल सही हो तो यहाँ आपसे आप कहते हैं कि फिर आप मैनेजमेंट के पास बैठे और मैनेजमेंट से कहें पांच रुपए की मिस स्टेटमेंट का नेचर क्या है ये कैसे हो गई मिस स्टेटमेंट कंट्रोल से इतने अच्छे थे आपके मिस स्टेटमेंट कैसे हो गए आप मैनेजमेंट को कहेंगे कि जी इन्वेस्टिगेट करें रिमेनिंग अस्सी नंबर की पॉपुलेशन को आप टेस्ट करें एक एक सैंपल चेक करें और मुझे बताएं रिमेनिंग में कितना मिस स्टेटमेंट है ताकि मैं चेक कर सकूंगा मिस स्टेटमेंट है कितने की फिर आप उसके बाद जब मेजरमेंट आपको जो भी जवाब देगी आप मजीद अपने सैंपल साइज बढ़ाएंगे बिकॉज यहाँ पे फ्रॉड के चांसेस ज्यादा है आप मजीद अपने सैंपल साइज बढ़ाएंगे ताकि आपको पता चल जाए सौ रुपए की पॉपुलेशन में एक्चुअल कितनी है और उसके बेसिस में फिर आप डिसाइड करेंगे कि आपने ओपिनियन मॉडिफाई करनी है या नहीं करना ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है आइजा पांच सौ तीस सैंपलिंग का अगला सबसे इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड प्यार बच्चों हमारे पास आइजा पांच सौ चालीस जिसका नाम है अकाउंटिंग एस्टिमेट

क्या प्लानिंग फेज में काम करना होगा का आपने अंडरस्टैंडिंग ऑप्टेन करनी पड़ेगी किस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग ऑप्टेन करनी पड़ेगी मैनेजमेंट के प्रोसेस के अंडरस्टैंडिंग ऑप्टेन करनी पड़ेगी जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है उसकी अंडरस्टैंडिंग ऑप्टेन करनी पड़ेगी कि वो किस तरीके से एस्टिमेट्स के बारे में कहता है मैनेजमेंट के कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग ऑप्टेन करनी पड़ेगी देखिए कंट्रोल के अंडरस्टैंडिंग ऑप्टेन करना और टेस्ट करना दोनों डिफरेंट चीजें है ये? उन कंट्रोल्स के अंडरस्टैंडिंग आपने ऑप्टेन करनी पड़ेगी ताकि आप एस्टिमेट्स के ऊपर रिस्क को आइडेंटिफाई कर सके और असेसमेंट इसकी सिग्निफिकेट होगी फिर एज अ फोर्टी दूसरा फेज आपको कहता है response. जब आप रिस्पॉस बनाएंगे और ऊपर आपने अंडरस्टैंडिंग में कहा जी कंट्रोल मौजूद है फिर आपने कंट्रोल को टेस्ट करना है तो एक रिस्पॉन्स आपका टेस्ट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा दूसरा आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की भी अंडरस्टैंडिंग ले चुके हैं और मैनेजमेंट से एस्टिमेट्स uh, की भी अंडरस्टैंडिंग ले चुके हैं तो इसका मैनेजमेंट के प्रोसेस की भी अंडरस्टैंडिंग ले चुके हैं अब परफॉर्मेंस फेज में आपका काम होगा कि जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में कहा गया है और जो अंडरस्टैंडिंग मैंने ली है क्या दोनों आपस में कंसिस्टेंट है भी या नहीं जो मैंने ऊपर कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग ली आप परफॉर्मेंस फेज में उनको टेस्ट करेंगे कि क्या वो कंट्रोल रीजनेबल है भी क्या वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करेंगे क्या वो कंट्रोल इफेक्टिव है भी कि नहीं तीसरा काम आप एग्जम्पन्स को चेक करेंगे कि क्या एजम्पन्स मैनेजमेंट की रीजनेबल है एजम्पन्स कहाँ बताई गई होंगी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ने बताया होगा क्या वो जो मैनेजमेंट बता रही है क्या वो आपस में कंसिस्टेंट है और सब्सिक्वेंट इवेंट के प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे एज ए फाइव फोर्टी आपको सेंसिटिविटी एनालिसिस का कहता है एज ए फाइव फोर्टी कहता है यार वो एजम्पन देख लो जिसको ज़रा सा ऊपर नीचे करोगे ना नंबर्स पूरे चेंज हो जाएंगे ये हाईली सेंसिटिव एजम्पन है इसके ऊपर थोड़ी सी ज़्यादा तवज्जो वो जब कर दें ये वो वो एजम्पन है जहाँ पर रिस्क ऑफ मटीरियल मिस के चांसेस आपके ज़्यादा होंगे अगला काम प्यार बच्चों हमारे पास आइजा आइजा 550 रिलेटेड पार्टी अगेन रिलेटेड पार्टी के अंदर 315 भी है 320 भी है तीन सौ भी है और 240 भी है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आइजा पांच सौ भी है. क्या मतलब आरपी के ऊपर आपने रिस्क को आइडेंटिफाई भी करना है असेस भी करना है इंक्लूडिंग द रिस्क ऑफ फ्रॉड और आरपी अगर क्वांटिटेटिवली मटेरियल नहीं है तो क्वालिटेटिवली मटेरियल हो जाएगी सिर्फ रिस्क आइडेंटिफाई करके बैठ ली जा रहा है उस रिस्क के अगेंस्ट आपने रिस्पॉन्स भी बनाने हैं ताकि आप सफिशियंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑपरेन कर सके आरपी के ऊपर प्यारे बच्चों रिस्क कैसे आइडेंटिफाई करो 315 कहता है, तो है ऑप्टेन दी अंडरस्टैंडिंग तो यहाँ आप आरपी पी की अंडस्टैंडिंग ऑप्टेन करेंगे क्या मतलब मैनेजमेंट से पूछेंगे मुझे रिलेटेड पार्टी के नाम बताओ मुझे उनके साथ रिलेशनशिप बताओ मुझे उनके साथ ट्रांजेक्शंस बताओ, बताओ मुझे बताओ कि क्या इंटरनल कंट्रोल तुम्हारे पास है जिससे तुम ये इंश्योर कर सकते हो कि सारी की सारी आर पी आइडेंटिफाई अकाउंट फॉर एंड डिस्कलोज हो गई है uh, इसके बाद ट्रांज आर के साथ ट्रांजेक्शन को कौन ऑथराइज़ करता है कौन अप्रूव करता है और अगर आरपी के साथ कोई ट्रांजेक्शन है जो कि आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है तो उनको कौन ऑथराइज एंड अप्रूव करता है ये वो आप काम करेंगे इससे आपको रिस्क आइडेंटिफाई भी हो जाएगा इन और रिस्क असेस भी हो जाएगा असेसमेंट क्या होगी अगर कोई रिस्क रिस्क ऑफ फ्रॉड है तो वो सिग्निफिकेंट रिस्क होगा ये अंडरस्टैंडिंग करके आइजा आपको आज़ चार रिस्क बताता है पहला रिस्क मैनेजमेंट ने आपको सारी की सारी आरपी बताई नहीं है दूसरा रिस्क बता तो दी है लेकिन उसको एफएस में एडिक्वेटली डिस्क्लोज नहीं किया तीसरा रिस्क फ्रॉड का क्या मैनेजमेंट ने आरपी के साथ बैठ के फ्रॉड किया है और चौथा रिस्क मैनेजमेंट ने आरपी की ट्रांजेक्शन्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एडिक्वेटली डिस्क्लोज नहीं किया होगा तो ये तीन चार रिस्क होंगे जो कि आप आरपी के ऊपर आइडेंटिफाई कर रहे होंगे इन रिस्क के अगेंस्ट आपने प्रोसेस परफॉर्म करना है अगर आपका रिस्क ये है कि मैनेजमेंट ने आपको सारी की सारी आरपी नहीं बताई तो आप इन्वेस्टमेंट रजिस्टर देख लें आप शेयर होल्डर रजिस्टर देख लें आप मिनट्स देख लें आप इन्वॉइसिस देख लें आप कन्फर्मेशन देख लें अगर आपको लगता है कि जी मैनेजमेंट ने बताए तो है लेकिन इसको एफ में एडिक्वेटली डिस्क्लोज नहीं किया बा तो फिर आप एक काम ये करें कि जो जिसके साथ ये कर, जिसके साथ ये ट्रांजैक्शन हुई है आप रिलेटेड पार्टी को कंफर्मेशन भेजते बल्कि रिलेटेड पार्टी को कन्फर्मेशन भेजना और कन्फर्मेशन कहता है कि कन्फर्मेशन तो एक बेहतरीन ऑडिट एविडेंस है इस केस में ये बेहतरीन ऑडिट एविडेंस नहीं है बिकॉज ये आप ही की रिलेटेड पार्टी है थर्ड पार्टी नहीं है तो सिर्फ रिलेटेड पार्टी को कन्फर्मेशन ना भेजें रिलेटेड पार्टी के साथ आपके एक और चीज़ भी इन्वॉल्व होगी एक इंटरमीडिएट इन्वॉल्व होगा आपने उसको भी कन्फर्मेशन भेजनी है ठीक है और उसके ऑडिटेड एफेट्स देख लें ताकि पता चल जाए आई डी डिस्कलोज है तीसरा रिस्क हमारे पास हो सकता है फ्रॉड का कि अगर मैंने आपको लगता है आरपी में मैनेजमेंट ने फ्रॉड किया तो फ्रॉड के प्रोसेस तो अभी थोड़ी देर पहले पड़े

ये क्या ये जब आपने रिस्क आइडेंटिफाई कर लिए प्रोसीजर्स परफॉर्म कर लिए तो ये जो कंप्लीटनेस का आपने प्रोसीजर परफॉर्म किया था जिसमें आपको एक न्यू रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई हो जाती है या एग्जिस्टिंग आरपी के साथ न्यू ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई हो जाती है आइजा आपसे कहता है जी पहली फुर्सत में पहली फुर्सत में तो अपने रिस्क असेसमेंट को रिवाइज करें उसके अगेंस्ट मजीद प्रोसेस करें इंगेजमेंट टीम को बताएं कि एक न्यू रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई हो गई है मैनेजमेंट से इंक्वायर करें कि आपके इंटरनल कंट्रोल इतने इनफेक्टिव क्यों थे कि रिलेटेड पार्टी को आइडेंटिफाई नहीं कर सके न्यू रिलेटेड पार्टी के ऊपर मजीद ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करें और ये सोचें कि कहीं मैनेजमेंट ने जान के तो आपको नहीं बताया अगर जान के नहीं बताए तो एज अ टू अप्लाई हो जाएगा और टू में ये मिस स्टेटमेंट है दैट इंडिकेट्स दी पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड एज अ टू का ऑब्जेक्टिव थ्री अप्लाई हो जाएगा उसके बाद आयजा आपसे कहता है कि जी आप आ जाए और आयजा 560 अप्लाई करें आयिजा 560 में वो आपसे कहता है सब्सिक्वेंट इवेंट है सब्सिक्वेंट इवेंट का मतलब है बैलेंस शीट डेट से लेकर डेट ऑफ आयजा 560 का स्कोप बैलेंस शीट डेट से डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट तक है यहां तक आपकी जिम्मेदारी है कि आपने ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं Uh, ताकि आप सब्सिक्वेंट इवेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकें तो मैं क्या प्रोसेस परफॉर्म करूँ जिम्मेदारी किसकी है मैनेजमेंट की है, है. क्यों बिकॉज एक आई एस टैंड मौजूद है मैनेजमेंट की जिम्मेदारी टू प्रिपेयर आप मैनेजमेंट से इंक्वायर करेंगे बताएं आपका क्या प्रोसेस है आप किस तरीके से सब्सिक्वेंट इवेंट को आइडेंटिफाई करते हैं उसके बाद आप मैनेजमेंट से इंक्वायर करेंगे क्या कोई सब्सिक्वेंट इवेंट आइडेंटिफाई हुआ है इंक्वायरी अलोन कैन नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस आप मैनेजमेंट से सबसिक्वेंट इंटरिम एफ एस लेंगे आप मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखेंगे और मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑप्टेन करें रही अच्छा अगर ऑडिट रिपोर्ट की डेट के बाद कोई इवेंट होता है ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है आइडेंटिफाई करना मेरी जिम्मेदारी नहीं है प्रोसेस परफॉर्म करना लेकिन अगर कोई इवेंट ऑडिट रिपोर्ट के बाद होता है ऑडिट रिपोर्ट साइन करने के बाद होता है मैचों को देने के बाद होता है तो इसका मतलब है अब मुझे बैठ के अगर तो मुझे वो चीज डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट पता होती और वो मटीरियल इवेंट है अब मैंने रिस्पॉन्ड करना है रिस्पॉन्ड कैसे करूंगा डिस्कस द मैटर विद द मैनेजमेंट डिटरमाइन वेदर अमेंडमेंट इंक्वायर हाउ मैनेजमेंट मेक्स एन अमेंडमेंट अगर मैनेजमेंट अमेंडमेंट करती है येस yes, तो फिर मैं उस अमेंडमेंट के ऊपर नेसेसरी ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करूंगा सब्सिक्वेंट इवेंट के प्रोसेस की डेट को एक्सटेंड कर दूंगा टू द डेट ऑफ न्यू ऑडिट रिपोर्ट उस वक्त तक अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट उस वक्त तक मैं अपनी ऑडिट रिपोर्ट साइन नहीं करूंगा जब तक मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रूव न करते लेकिन अगर मैनेजमेंट ने फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट अमेंडमेंट करने से आपको मना कर देती है आप ये देखेंगे क्या मैंने रिपोर्ट इशू कर दी है अगर तो रिपोर्ट इशू नहीं करी सात के हिसाब से मॉडिफाई करें हैप्पी एंडिंग अगर तो रिपोर्ट इशू कर चुका हैं तो आप मैनेजमेंट को नोटिफाई करेंगे कि देखिए खुदा का वास्ता है एफएस इशू ना करिएगा सही है अगर तो मैनेजमेंट फिर भी एफएस इशू कर देती है फिर आप लीगल एडवाइस फिर आपका लीगल एक्शन डिपेंड करता है आपकी लीगल एडवाइस के ऊपर लेकिन अगर ये सारे मामला एफ एस इशू होने के बाद हो जाए तो सारे प्रोसीजर सेम रहेंगे बस दो चीजें अब ये जो धमकी है ये जो असेसमेंट है कि कहीं रिपोर्ट इशू तो नहीं रिपोर होगी रिपोर्ट लाजमी इशू हुई होगी बिकॉज एफ एस इशू हो चुका है सही है तो बस यहाँ पे एक चीज नहीं आ जाएगी अगर मैनेजमेंट अमेंडमेंट करने के लिए एग्री हो जाती है तो रिव्यू द स्टेप्स टेकन बाय द मैनेजमेंट कि जिनको प्रीवियस एफ मिल चुके हैं क्या उनको ये कम्युनिकेट कर दिया गया है कि जी एक मार्केट में नए एफ एस आने वाले ये एक पॉइंट यहाँ पे एड हो जाएगा अच्छा आइजा फाइव के बाद हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी आइजा फाइव के बाद हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी जिसका नाम था आइजा फाइव सेवेंटी गोइंग कंसर्न स्टैंडर्ड आपसे कहता है गोइंग कंसर्न का स्टैंडर्ड भी अगर आप देखेंगे तो आपको तीन सौ पंद्रह और तीन सौ तीस की कुछ रूहानियत मिलेगी यहाँ पे क्या मतलब गोइंग कंसर्न के ऊपर भी रिस्क आइडेंटिफाई करना है तो रिस्क आइडेंटिफाई करना है तो रिस्क, तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स क्या होंगे मैनेजमेंट से इंक्वायरी करेंगे इंक्वायरी करनी क्या होगी रिलेटेड पार्टी की नहीं इवेंट्स और कंडीशन की मैनेजमेंट के प्लान्स की गोइंग कंसर्न के असेसमेंट की क्या वो असेसमेंट बारह महीने की हुई है कि नहीं हुई ये कुछ आपने इंक्वायरीज करनी होगी कब कर करेगा? जब कोई events और कंडीशन होगा ऐसा कहता है जब भी इवेंट्स और कंडीशन है तो इसका मतलब है going concern पे doubt है। जब going concern पे doubt है, है पे पे जब तो इसका मतलब है आपको अब गोइंग कंसर्न एक्सम्शन के ऊपर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑप्टेन करने है कैसे करूं करू परफॉर्म करें क्या प्रोसेज परफॉर्म करूं गोइंग एटलीस्ट फॉर द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स उसके बाद मैनेजमेंट से कैश फ्लोज एंड पी एन एल फोरकास्ट ले सब्सिक्वेंट इंटेरियम एफ एस देख लें मैनेजमेंट के एजेंशन को देख लें कि क्या वो रीजनेबल है इंक्वायरी विद एना उसल काउंसिल अगर एप्लीकेबल है वो कर लें और लोन एग्रीमेंट आप देख लें सही है और इसके अलावा जो इवेंट और कंडीशन है उससे रिलेटेड एक स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसेज परफॉर्म करें ये प्रोसेस परफॉर्म करने के बाद अगर आपको लगता है कि गोइंग कंसर्न बेसिस अप्रोप्रिएट है ठीक है तो फिर एक अगला सवाल करें क्या 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 मटीरियल अनसर्टिनिटी एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब है मैनेजमेंट को एफ एस है तो आप अपनी ओपिनियन में ओपिनियन देखें लेकिन आपकी रिपोर्ट में एक बड़ा सा सेक्शन आएगा जिसका नाम होगा मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न सेक्शन अगली चीज हमारे पास आयिजा पांच है जिसका नाम है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अगली चीज हमारे पास आयजा पांच सौ अस्सी है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ये जितने भी आयजा आप पढ़ चुके हैं से एक दो आयजाज अभी हमने देख रहे हैं उसके ऊपर आपने मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑप्टेन करनी होती है किन आयजाज़ के ऊपर करनी होती है आयजा 540 के ऊपर करनी होती है 550 के ऊपर करनी होती है 560 के ऊपर करनी होती है 570 के ऊपर करनी होती है आयज़ा 240 फोटी फ्रॉड के ऊपर करनी होती है 501 के हिसाब से जो लिटिगेशन एंड क्लेम्स हैं उसके ऊपर आपने करनी होती है एक अभी हम आयजा थोड़ी देर में पढ़ेंगे आयजा टू फिफ्टी ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन उसके ऊपर ये समझने की कोशिश करें आपने फ्रॉड पे एस्टिमेट्स पे रिलेटेड पार्टी पे जो प्रोसीजर्स परफॉर्म किए हैं वो मैनेजमेंट से ही पूछे वो मैनेजमेंट के ही डॉक्यूमेंट देखे और मैंने ज्यादातर मैनेजमेंट से इंक्वायरी करी है फॉर एग्जाम्पल फ्रॉड में मैनेजमेंट से इंक्वायरी कर रहे थे सबसे कोई इवेंट में मैनेजमेंट से इंक्वायरी कर रहे थे क्योंकि सबसे कोई इवेंट तो नहीं हुआ एस्टिमेट्स uh, में मैनेजमेंट की एजेंस को देख रहे थे रिलेटेड पार्टी में भी मैनेजमेंट से इंक्वायरीज कर रहे थे तो ये जो इंक्वायरी एटलीस्ट लिखवा लें आप और क्या लिखवा लें रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में लिखवा लें रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अलोन कैन नॉट प्रोवाइड सफिशियंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिटर्न रिप्रेजेंटेशन आपके ऑडिट एविडेंस को सपोर्ट करता है ये जो प्रोसेस परफॉर्म किए हैं ये लाजमी करने है इन एडिशन टू दैट आपने मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑप्टेन करनी है अगर आप मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑप्टेन करने जाएंगे तो एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन तो एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस 210 से रिलेटेड थी कि भाई लिख के दें कि आपने एफ एस आई एफ आर एस के हिसाब से बना लिए हैं और सारे के सारे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिए ठीक है ये लिख के दें क्यों वहाँ पे लिख के दिया था कि प्रोवाइड कर दूंगा और एफ एस आई एफ आरस के हिसाब से बना लूंगा यहाँ पे आप कहेंगे अगर मैनेजमेंट आपको ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड नहीं करती है एज अ कहता है डिस्क्लेमर खत्म आप सफिशेंट अप्रोप्रिएट एविडेंस ऑब्टेन कर ही नहीं सकते और फिर दूसरा ऑब्जेक्टिव आपको कहते हैं जो स्पेसिफिक है इनके ऊपर मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले या तो मैनेजमेंट आपको वो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देगी या मैनेजमेंट आपको यान रिप्रेजेंटेशन नहीं देगी अगर तो मैनेजमेंट आपको रिटर्न रेप्रेजेंट प्रोवाइड कर देती है तो आप देखें क्या वो रिलायबल है क्यों बिकॉज जो ऑडिट एविडेंस मिले हैं और जो मैनेजमेंट लिख के दे रही है कहीं इसमें कोई इनकन्सिस्टेंसी तो नहीं आ रही सही है या मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पर डाउट तो नहीं हो रहा अगर तो मैनेजमेंट इंटेग्रिटी पर डाउटीस जो वो लिख के दे रही है उसमें भी डाउट क्रिएट हो चुका है तो भाई अब क्या करें कहता है कि मैनेजमेंट हैं इंटेग्रिटी पे डाउट क्रिएट हो चुका है मुझसे क्यों पूछा दो सौ चालीस पढ़ाए जितने रिवाइज करें और इट रिलायबिलिटी रिला डाउट क्रिएट हो जाएगा लेकिन अगर मैनेजमेंट आपको फॉर एक्साम्पल लिख के देती है कि मैंने सारे के सारे सबसे कोई इवेंट आपको आइडेंटिफाई कर दिए

अगर मैनेजमेंट आपको रिटर्न रिप्रेजेंट प्रोवाइड नहीं करती तो ऐसा कहता है यार उस वक्त इंगेज लेटर में कहा था कि तुम रिटर्न रिप्रेजेंट प्रोवाइड करोगे अब क्यों प्रोवाइड नहीं कर रहे तो ऐसा कहता है मैनेजमेंट से डिस्कस करें और जैसे डिस्कस करके निकले मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी को रिवैल्युएट करेंगे भाई उस वक्त तो कहती थी और यहां पे इंक्वायरी जब कर रहा था तो कह कहती सारे के सारे फ्रॉड बता दिए कोई भी फ्रॉड नहीं हुआ हुआ और जब मैं कह रहा हूं लिख के दूसरे कोई भी फ्रॉड नहीं हुआ तो लिख के नहीं दे रही तो मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी को रिवेल्युएट करें जिस चीज के ऊपर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मांगी है उसको दफा करें जितनी भी रिटर्न रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है उन सबके रिलायबिलिटी डाउट क्रिएट हो चुका है उन सबके ऑडिट एविडेंस पे भी डाउट क्रिएट हो चुका है अब इसको दफा करें उसके ऊपर आ जाए क्या यहां तक बात समझ आती है अच्छा जी अगली चीज जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों वो हमारे पास है मैं यहाँ पे एक काम ये करता हूँ मैं उसको आईज फोर जीरो टू का थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ आपको आई फोर जीरो टू फिर उसके बाद आईज छः सो आइज फोर जीरो टू सर्विस ऑर्गेनाइजेशन प्यारे बच्चों आइज फोर जीरो टू क्या है ये जो काम था तीन सौ पंद्रह के हिसाब से आपको करना था शायद ये काम आप नहीं कर सकते ये जो काम था तीन सौ तीस के हिसाब से जो आपने करना था शायद ये काम नहीं कर सकते क्या मतलब है कहने का यार मतलब सिंपल सा है कि जी अगर मैं किसी कंपनी का ऑडिट कर रहा हूं और उस कंपनी ने अपना कोई फंक्शन आउटसोर्स कर दिया है सबसे पहले आप देखेंगे कि क्या यह मटेरियल है भी कि नहीं बिकॉज अगर ये मटेरियल है अगर मटेरियल है तो इसका मतलब है कि जी आपने तो इसके ऊपर रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है जब रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है तो तीन के हिसाब से इंक्वायरीज करनी है एनालिटिकल प्रोशियर करना है अंडरस्टैंडिंग ऑप्टेन करनी है

या उससे कोई मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाए थ्रू सर्विस ऑर्गेनाइजेशन या आप डायरेक्टली वहां जाकर अंडरस्टैंडिंग ऑप्टेन कर लेंगे या किसी और ऑडिटर को एंगेज कर लेंगे ताकि आपको बस किसी तरीके से अंडरस्टैंडिंग ऑप्टन हो जाए बिकॉज अब 315 के हिसाब से अंडरस्टैंडिंग ऑप्टन नहीं होगी तो रिस्क आइडेंटिफाई नहीं होगा जब रिस्क आइडेंटिफाई नहीं होगा तो रिस्क की असेसमेंट नहीं होगी जब रिस्क की असेसमेंट नहीं होगी तो उसके रिस्पॉन्स नहीं होगा जब रिस्पॉस नहीं होगा तो सफिशेंट अप्रोप्रियट ऑडिट एविडेंस नहीं होगा अगर तो इन तरीकों से भी आप रिस्क आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कहते स्कोप लिमिटेशन है बिकॉज अब रिस्क ही नहीं है तो प्रोसीजर नहीं है, नहीं, है, तो नहीं है जब प्रोसीजर नहीं, नहीं है तो एविडेंस नहीं है जब एविडेंस नहीं है तो ये स्कोप लिमिटेशन है आज ऐसा कहता है चले जी अगर तो आपने अंडरस्टैंडिंग ऑप्टेन कर ली किसी भी तरीके से सही है अब अब मसला आएगा जो रिस्क का आपने आइडेंटिफाई करें उसके अगेंस्ट प्रोसीजर परफॉर्म करना है प्रोसीजर्स तो अभी हमने पढ़ा तीन के हिसाब से टीओ सीज तो क्या कंट्रोल यूजर आइडेंटिटी के पास मौजूद है अगर मौजूद है कंट्रोल टेस्ट कर लो अगर तो कंट्रोल मौजूद नहीं है तो मतलब वो कंट्रोल कहां होंगे वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में होंगे तो या तो उसके ऑडिटर की टी टू रिपोर्ट ले लो जो कि चौंतीस बनी होगी या खुद जाके वहां पे कंट्रोल टेस्ट कर लो तुम भी नहीं जा सकते किसी और ऑडिटर को इंगेज कर लो और ये जो कोई और ऑडिटर होगा प्यारे बच्चों इसका नाम होगा इसका नाम होगा आयजा छे सो जिसके ऊपर हम थोड़ी देर में आ रहे हैं इंशाल्लाह ठीक है अच्छा जी तो ये काम कर ले अगर टेस्ट और डिटेल्स करने हैं तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स देखने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रिकॉर्ड यूसर एडिटर के पास पड़े हैप्पी एंडिंग यूजर एंटिटी के पास नहीं पड़े तो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के पास पढ़ोगे या तो खुद जाके वहां पे देख कर आ जाओ डॉक्यूमेंट या किसी और ऑडिटर को इंगेज कर लो ये हमारे पास 402 है 402 टू का सिंपल सा मसला ये है कि आप 315 और 330 बस अप्लाई कर लें यूजर एंटिटी है उधर अप्लाई कर लें उधर नहीं है तो वहां जाके अप्लाई कर लें एक हमारे पास और आयजा है जिसका नाम है आयजा छे इस आयजा छे को समझने की कोशिश करिएगा ये है क्या अगर एक कंपनी के हैं अगर एक कंपनी के कॉम्पोनेंट हैं और उस में उसके पास सब्सिडीज है एसोसिएट्स हैं वो कॉम्पोनेंट वो कॉम्पोनेंट जो कि सिग्निफिकेंट कॉम्पोनेंट है तो आयजा कहता है या तो उसका ऑडिट करो खुद करो खुद नहीं कर सकते कि किसी ने जो ऑडिट किया हुआ है तो उसके काम को इवेलुएट करे उसका काम ठीक है या नहीं मैं इसके लिए एक छोटी सी यहाँ पर डायग्राम बना देता हूँ अगर एक होल्डिंग कंपनी है प्यारे बच्चों सही है और होल्डिंग कंपनी की एक सब्सिडी वन है एक सब्सिडी टू है

क्यों सब्सिडी सिग्निफिकेंट है बिकॉज इस सब्सिडी का साइज ऐसा है कि जब ये कंसोलिडेट होगा यहां पे तो बड़ा मटेरियल बन जाएगा तो उसने कहा ठीक है जी ये सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है अब इसको ये मुखातिब कर रहा है सिग्निफिकेंट कंपोनेंट के नाम से सब्सिडी टू का साइज बड़ा नहीं है सही है लेकिन इसके अंदर एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से होल्डिंग कंपनी में एक रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है ठीक है, है।, है, है जी या तो इसका पूरा ऑडिट कर लो या जिस चीज के ऊपर रिस्क ऐसे उसका ऑडिट कर लो तुम ऑडिट कर लो अच्छी बात है तुम ऑडिट नहीं कर सकते कोई और ऑडिट कर रहा है उसके काम की हेल्प ले लो उसके काम की जो हेल्प लेनी है वो आज छह प्यारे बच्चों ये सब्सिडी जो है ये सब्सिडी सिग्निफिकेंट नहीं है क्यों नहीं है ना इसमें कोई बड़ा रिस्क है ना ये एफएस में जाके कंसोलिडेट होकर कोई बड़ा नंबर बनेगा इसका ये मेरे पास इनसिग्निफिकेंट कॉम्पोनेंट है ये मेरे पास इनसिग्निफिकेंट कॉम्पोनेट है इसके ऊपर भी आयजा छह अप्लाई होगा कैसे अप्लाई होगा मैं आपको बता रहा हूं सुनिएगा आयजा कहता है ये

और को बोलो कि जो तुम सब्सिडी ऑडिट कर रहे हो ना ये तुम मेरे हिसाब से करोगे। आ, जो मैं तुम्हें इसको बता रहा हूं उसके ऊपर काम करना है जो मैं तुम्हें मटीरियलिटी बता रहा हूं उस मटीरियल को यूज करके तुमने काम करना है जो मैं तुम्हें रिस्पांस बता रहा हूं वो रिस्पॉन्स परफॉर्म करना है तो जब आप उससे काम इस तरीके से करवाएंगे अच्छा मैं अगर ऑडिट करता क्लाइंट एक्सेप्टेंस तो मैं देखता मैं एथिकल रिक्वायरमेंट से कंप्लाई कर रहा हूं मैं इंडिपेंडेंट हूं मैं कॉम्पिटेंट हूं तो ऐसा कहता ये चीजें तुम आदिल ईवाई के लिए असेस कर लो कि क्या वो कॉम्पिटेंट है नहीं है क्या वो इंडिपेंडेंट uh, है कि नहीं है क्या वो एथिकल रिक्वायरमेंट से कंप्लाई कर मतलब अब तक प्यारे बच्चों ने आपको जो पढ़ाया है जितना कुछ पढ़ा है वो सारी चीजें आप इंश्योर कर लेंगे इनके थ्रू और आप ये इंश्योर कर लेंगे या कैसे हैं और ये सारी चीजें इनको कम्युनिकेट कर देंगे प्यारे बच्चों ये हमारे पास कहलाएगा आयजा 600 इन दो कॉम्पोनेट्स के लिए चूंकि ये इनसिग्निफिकेंट कॉम्पोनेंट है चूंकि सब्सिडरी वन इनसिग्निफिकेंट कॉम्पोनेट है आइजा कहता है इसके ऊपर आप एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म कर लें आप उसके एफ एस ऑडिटेड एफ एस लें नंबर्स को देखें एनालिटिकली देखें एनालिटिकली देखें कि कोई चीजें मैच कर रही है नहीं कर रही है, कोई इनकंसेंट डेविएशन नहीं है उसके ऊपर मैनेजमेंट से इंक्वायरी वगैरह कर लें अदरवाइज एनालिटिकल प्रोसेज यहां पर आपको कॉम्पोनेंट ऑडिटर की जरूरत नहीं पड़ेगी इन दो जगह पे अगर कॉम्पोनेंट ऑडिटर है तो उनसे जरूरत पड़ेगी अगर कॉम्पोनेंट ऑडिटर नहीं है इनके आप खुद बैठ के ऑडिट करने कोई मसला थोड़ी है क्या यहाँ तक बात समझ आती है बच्चों अच्छा आयजा 600 के बाद हमारे पास अब स्टार्ट होने जा रहा है मैं एक और चीज़ यहाँ पे ऐड कर देता हूँ आयजा आ... मैं यही पर लिख देता हूँ आयजा टू फिफ्टी लॉज एंड रेगुलेशन ये भी एक इंपॉर्टेंट आयजा है प्यारे बच्चों दो किसम का लॉज एंड रेगुलेशन है एक लॉ एंड रेगुलेशन ऐसा होगा जिसकी वजह से एफ एस में कोई नंबर आ रहा होगा इनकम टैक्स ऑर्डिनेस सही है डब्ल्यू बी पी एफ डब्ल्यू एफ इनसे तो आपने इसके ऊपर तो आपने सफिशियंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इस पे करना है कि क्या ये इनसे कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे बट कुछ लॉज एंड रेगुलेशन ऐसे होंगे कि जिससे आप कंप्लाई करेंगे तो एफएस एस में कोई इंपैक्ट नहीं आना हाँ अगर नॉन कंप्लाइज कर जाएंगे तो एफ एस में इंपैक्ट आ जाएगा फॉर एग्जांपल हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेशन फॉर एग्जांपल कंपनीज एक्ट सही है फॉर uh, एग्जांपल आपका कोई कोई इनवायरमेंटल रेगुलेशन अपलाई कोई कोविड की रिस्ट्रिक्शन अप्लाई हो जाती है तो ये जो लॉज एंड रेगुलेशन है इसके ऊपर आपने नॉन को आइडेंटिफाई करना है बिकॉज इसके बेसिस पे कोई इंपैक्ट आ सकता है अच्छा

क्या रिक्वायरमेंट है क्या क्या पेनल्टी लग सकती है फिर मैनेजमेंट से डिस्कस करें फिर लीगल काउंसिल डिस्कस करें उनसे डिस्कस करने से पहले अगर आपने अपने लॉयर को इन्वॉल्व करना है लीगल एडवाइस लेनी आप वो भी लें ये सब करने के बाद आप इवेलुएट करें इसके इंपैक्ट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और जब आप इवेलुएट करने जाएंगे प्यारे बच्चों बहुत सी चीजें ट्रिकर कर सकती हैं गोइंग कंसर्न में ट्रिकर कर सकता है कैसे गोइंग कंसर्न ट्रिकर कर सकता है बिकॉज क्लासेस मेंट हो जाएगा 501 भी ट्रिगर कर सकता है कैसे 501 ट्रिगर कर सकता है बिकॉज कोई लिटिगेशन क्लेम्स भी हो सकती है पेनल्टी भी लग सकती है रेगुलेटर आपके ऊपर पेनल्टी लगा सकता है 240 फोर्टी फॉड भी एप्लीकेबल हो जाएगा क्यों एप्लीकेबल हो जाएगा बिकॉज मैनेजमेंट ने जान बूझ के ये नॉन कंप्लाइज की है तो एज ए टू कहता है कि जी इवेलुएट द इम्पैक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या हमें यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों तो ये हमारे पास आय दो लेके छह सौ तक हमारा क्विक था आखिरी में हम आ जाते हैं प्यारे बच्चों किस चीज़ के ऊपर रिपोर्टिंग के ऊपर रिपोर्टिंग में हमारे पास पहला आयजा ये जल्दी से हो जाएगा रिपोर्टिंग के ऊपर हमारे पास पहला आयजा है ओपिनियन का अगर आपको ये सारे काम आपने कर लिए सफिशेंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एवरनेस ले लिया कोई आइडेंटिफाई नहीं मैं सात सौ लेकिन अगर इस रिपोर्ट में अगर कोई लिस्टेड एंटिटी है अगर आप जनरल पर्पज एफ ऑफ द ऑडिट कर रहे हैं लिस्टेड एंटिटी का तो आप की ऑडिट मैटर एप्लीकेबल हो जाएगा की ऑडिट मैटर कौन सा मैटर होंगे वो मैटर जो कि शायद आपका सिग्निफिकेंट रिस्क हो की ऑडिट मैटर की डेफिनेशन वो मैटर जो कि दैट रिक्वायर्ड सिग्निफिकेंट ऑडिटर्स कंसिडरेशन है वो मैटर जो कि मोस्ट सिग्निफिकेंट हो टू करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो मैटर्स आपके कैम होंगे कैम को कम्युनिकेट कैसे करना है रेफर करना होगा एफ एस के डिस्क्लोजर्स अगर कोई है तो वाई इट इज अ कैम उसमें तीन सौ पंद्रह आपको हेल्प कर देगा और आपने क्या की ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म किए तो जितने प्रोसेस पड़े हैं वो आपको थोड़ा बहुत हेल्प कर देंगे ये हमारे पास आजा सात सौ एक है सात सौ पांच मॉडिफाइड ओपिनियन है मॉडिफाइड रिपोर्ट ना कहिएगा गलत वर्ड है मॉडिफाइड ओपिनियन है मैं कब अपनी ओपिनियन को मॉडिफाई करूंगा जब इन सीरीज के बेसिस पे मुझे सफिशिएंट बेसिसियोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिले और एक स्कोप लिमिटेशन है तो सात सौ पांच आ जाएगा अगर ये प्रोसेस परफॉर्म करें और कोई मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई हुई और वो मिस स्टेटमेंट मटीरियल है तो 705 अप्लाई हो जाएगा इसका मतलब है मैं मेरे पास 705 में तीन किस्म की ओपिनियन है एक क्वालिफाइड एक एडवर्ड्स एक डिस्क्लेमर और क्वालिफाइड भी दो वजह से हो सकती है मटेरियल मिस स्टेटमेंट की वजह से भी हो सकती है मटेरियल स्कोप लिमिटेशन की भी वजह से हो सकती है आ, तीसरी चीज हमारे पास यहाँ पे आयिजा सात अगर कोई ऐसी चीज है अगर मेरी रिपोर्ट में कोई ऐसी चीज है जो कि मेरे फॉर एग्जाम्पल आयिजा पांच से कम्युनिकेट नहीं हो पा रही मेरे पास ओपिनियन से कम्युनिकेट नहीं हो पा रही कैम्प से कम्युनिकेट नहीं हो पा रही मॉडिफाइड ओपिनियन से कम्युनिकेट नहीं हो पा रही और अगर वो मैटर एफ से पर्टेन करता है और वो फंडामेंटल है और वो डिस्क्लोजर फंडामेंटल है यूजर के अंडरस्टैंडिंग ऑफ दी एफ के लिए तो मैं मैटर पैराग्राफ दे दूंगा अगर वो मैटर मेरी रिपोर्ट से पर्टेन करता है मेरी जिम्मेदारी से पर्टेन करता है तो मैं ओ दे दूंगा एक और आयजा हमारे पास यहाँ पे है आयजा सात जिसका मैं सिर्फ स्कोप आपसे डिस्कस कर रहा हूँ आयजा सात डील करता है डील करता है ओपनिंग बैलेंसिस की वजह से मेरी ओपिनियन में क्या इंपैक्ट पड़ेगा अगर ओपनिंग बैलेंस है तो क्या मैं इसके ऊपर ओपिनियन दूंगा या नहीं दूंगा तो यह चीज डील करती है एज अ सात सौ दस सात सौ दस रिपोर्ट ओपिनियन से डील करता है पांच सौ दस आपका सफिशियंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस से डील करता है सात सौ दस में मेरे पास मुझे यह चेक करना होता है कि क्या ये करिस्पॉन्डिंग फिगर है या कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट है अगर करस्पॉन्डिंग फिगर होती है मैं पिछले साल के ऊपर ओपिनियन नहीं देता मैं इसी साल पे ओपिनियन देता हूँ अगर कंपेरेटिव एफएस है तो मैं पिछले साल पे भी ओपिनियन देता हूँ और मैं इस साल पे भी ओपिनियन देता हूँ कुछ वगैरह है, comparative है आप लेकिन पिछले साल पे ओपिनियन नहीं देंगे क्यों नहीं देंगे बिकॉज पिछले साल का ऑडिट किसी और ने किया हुआ या पिछले साल का ऑडिट ही नहीं हुआ हुआ तो ऑल दो कम्पेरेटिव एफ एस पिछले साल के ऊपर ओपिनियन नहीं देंगे करस्पॉन्डिंग फिगर की कोई एक्सेप्शन नहीं है करस्पॉन्डिंग फिगर है आप पिछले साल के ऊपर ओपिनियन नहीं देंगे आप सिर्फ इस साल पर ओपिनियन देंगे हाँ पिछले साल की वजह से अगर कोई मैटर है उसको आप ओपिनियन मॉडिफाई कर रहे हैं तो बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन में पिछले साल के नंबर का तस्करा कर सकते हैं अगला आयजा हमारे पास आयजा 720 है जिसका नाम है अदर इंफॉर्मेशन एनुअल रिपोर्ट में बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो कि एफ ए से डिराइव्ड हो रही होती हैं जो कि एफ ए से लिंक्ड हो रही होती है यहां पे auditor, यहां पे आपसे कहता है कि आपकी जिम्मेदारी को आपने रीड करना है और रीड करने का मकसद ये क्या वो एफ के साथ कंसिस्टेंट है कि नहीं है अगर कोई मटीरियल आपको आइडेंटिफाई हो जाती है बिटवीन एफ एंड अदर इन्फॉर्मेशन तो क्या वो मिस स्टेटमेंट एफ में है अगर एफ में तो सात अप्लाई कर दे अगर तो वो अदर इंफॉर्मेशन में तो 720 अप्लाई करें कैसे मैनेजमेंट से कहें ठीक करें बोर्ड से क्या इसको ठीक करें अगर मैनेजमेंट और बोर्ड ठीक नहीं करते तो आपकी रिपोर्ट में एक अदर इंफॉर्मेशन का सेक्शन आएगा वहां पे बता देगा ये चीज गलत है या आपको लगता है मैनेजमेंट इसलिए ठीक नहीं कर रही बिकॉज मैनेजमेंट इसके थ्रू फ्रॉड करना चाह रही है या मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पर डाउट क्रिएट हो गया तो स्टैंड कहता है अदर इन्फॉर्मेशन सेक्शन को छोड़ें आप तो या तो विड कर जाए या दे दें अगली चीज हमारे पास प्यारे बच्चों यहां पे आइजा 800 मैं यहां पे लिख रहा हूं दोनों में फर्क क्या है ये जनरल पर्पस एफएस होते हैं ये कंप्लीट सेट ऑफ एफएस जनरल पर्पस एफएस होते हैं ये स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं प्यारे बच्चों सही है ये भी ऑडिट है ये भी आईसा है तो ऑडिट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑडिटिंग बस फर्क इतना है ये जनरल पर्पस एफएस एक जनरल पर्पस फ्रेमवर्क के बेसिस पे बनेंगे ये स्पेशल पर्पस एफएस किसी स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के बेसिस पे बनेंगे आईसा 800 खुद आपसे कहता है कि आईसा आयजा 200 से लेके आयजा 720 तक की सारी रिक्वायरमेंट अप्लाई होंगी अगला आयजा हमारे पास आयिजा 805 है ये जनरल पर्पज भी हो सकता है या स्पेशल परपज एफएस भी हो सकता है ये, ये आयजा 805 किसी ये कंप्लीट सेट ऑफ एफएस नहीं है या तो ये सिंगल एफएस है या तो ये सिंगल एफ है या कोई स्पेसिफिक एलिमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट है अगर सिंगल एफ है या स्पेसिफिक एलिमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट है आयिजा आपसे कहता है कि अगर इसका भी ऑडिट आपने करना है सौ से दो सौ से लेकर सात सौ बीस बट अगर ये सिंगल एफ एस किसी स्पेसिफिक बंदे की ख्वाहिशात के लिए हो रहा है तो आयजा आठ सौ भी अप्लाई हो जाएगा आयजा आठ सौ दस डील करता है समराइज एफ एस में और यहां पे क्राइटेरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है कि समराइज एफ एस का क्राइटेरिया क्या है पूरा 810 सौ क्राइटेरिया के बेसिस पे इवॉल्व होगा इंगेजमेंट जब आप एक्सेप्ट करेंगे तो आप देखेंगे क्या क्राइटेरिया सूटेबल है जब आप प्लानिंग करेंगे तो आपका रिस्क ही होगा कि क्राइटेरिया के हिसाब से समराइज एफ नहीं बने हुए जो आप प्रोसीज परफॉर्म करेंगे वो भी इसी बेसिस पर करेंगे कि जो क्राइटेरिया बताया गया है क्या उसके हिसाब से समराइज एफ बने हैं और आपका ओपिनियन भी यही होगा कि इन अवर ओपिनियन दी समराइज एफ एस आर ड्राइव फ्रॉम दी एफ एस एंड आर प्रिपेयर इन अकॉर्डेंस विद द क्राइटेरिया दैट इज मैंशन तो ये हमारे पास प्यारे बच्चों आ जाए आठ सौ दस है ये हमारे पास एक क्विक रिविजन था प्यारे बच्चों इसको वीडियो देखने के बाद कोई भी आपके सवाल हो क्यों इन्हें सेशन होगा हमारा इंशाल्लाह उसमें लाजमी पार्टिसिपेट कर लीजिएगा कोई सवाल हो कोई चीज़ हो अगेन 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 दो सौ ढाई सौ घंटे का तो ये ऑब्वियसली कोई भी रद्द अगें, अगें, इसका सब्सटिट्यूट नहीं है लेकिन कोशिश ये है कि बच्चे का क्विक रिविजन हो जाए चीज़ें कुछ लिंकिंग हो रही है उसको देखना हो मजीद देख लें मुझसे सवाल पूछना मुझसे सवाल पूछ लें क्यों इन्हें सेशन में सवाल हो प्यारे बच्चों इस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है पेपर में टाइम कम है चार पाँच दिन बाद आपके पेपर है मंडे से वैसे ही फाइल के पेपर स्टार्ट हो जाएंगे जो भी के रहे हैं उनको लास्ट में बता दीजिएगा इस वीडियो के बारे में टाइम कम है ठीक है बहुत सब बच्चा रिक्वेस्ट कर रहा था कोशिश करिएगा उसको शेयर कर दें दोस्तों को टैग करते हैं ताकि सबका फायदा हो जाए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, थैंक यू सो मच अल्लाह